गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपके फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 2 था, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके पार्ट 1 का अध्ययन किया था और आज हम इसके अंतर्गत पार्ट 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और प्रोनंसिएशन करें और उसके बाद इसके अर्थ को हम समझेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेम विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. अब यहाँ पर मंडेला जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि उद्घाटन के दिन मुझे एक इतिहास की घटना से मुझे याद आया और मैं अभिभूत हो गया। किस लिए अभिभूत हो गए? कि जब 20वीं सदी जो चल रही थी उसके पहले दशक फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ कि एक एंग्लो बोअर युद्ध हुआ जिसमें उनके जन्म के पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका में जो वाइट स्किन पीपल रहते हैं यानी श्वेत वर्ण वाले जो लोग हैं उनके जो विवाद थे उनकी जो डिफरेंसेस थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, निपटा दिया, रफा दफा कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा सिस्टम किया जिसमें कि जो वाइट स्किन पीपल हैं या श्वेत वर्ण वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने ही देश में रहने वाले जो ब्लैक कहलाते हैं यानी कि अश्वेत वर्ण वाले व्यक्ति हैं उन पर उन्होंने क्या कर लिया, अपने डोमिनेंस या अपना प्रभुत्व जमा लिया। अब उस प्रभुत्व जमाने के कारण उन्होंने जो व्यवस्था बनाई वो कैसी थी, अत्यंत कठोर थी और बहुत ज़्यादा इनह्यूमन यानी अमानवीय थी। ऐसा समाज बनाया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया और इस बात को पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। मतलब जो वाइट स्किन पीपल थे वो अश्वेत वर्ण वाले जो जनता थी उनके ऊपर क्या करते थे, अत्याचार किया करते थे, उनको डोमिनेट किया करते थे। अब लेकिन कहते हैं अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अब 20वीं सदी के जो अंतिम दशक में हमने इसको हमेशा के लिए पलट दिया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब सभी लोगों को बराबर से अधिकार व स्वतंत्रता मिलेगी और जो ये रंग भेद की जो मान्यता है इसको भी हमने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे बच्चों, यहाँ पर दिखा रहे हैं ये वाइट स्किन पीपल हैं, ये ब्लैक है। तो अब उसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बाद अब क्या हो गया, रंग भेद की जो नीतियाँ थी वो सब समाप्त हो गई और लोग एक प्रकार एक समाज में रहने। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मंडेला जी कि मुझे याद है कि ये दिन कैसे आया है, ये दिन उन हजारों लोगों के अकल्पनीय संघर्षों और त्याग के बाद प्राप्त हुआ है। उनकी जो पीड़ा थी, उनके जो कष्ट थे और करे जाने उनमें जो साहस था उसको ना तो कभी गिना जा सकता है और ना भी कभी उनके कष्टों की कोई पूर्ति क्षतिपूर्ति की जा सकती है। मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं उन सारे लोगों का योग हूँ, मैं उन सारे लोगों का सम्मिलित परछाई हूँ जिन्होंने इतने दिनों से इस देश के लिए अपने सेक्रीफाइस यानी त्याग किए हैं और स्वतंत्रता के लिए आगे अपना योगदान दिया है। जो अफ्रीकन पैट्रियट्स मतलब जो अफ्रीकी देशभक्त हैं जो मुझसे पहले चले गए और
इन सब का मैं योग हूँ। और मैं ये सारी लाइन जो थी, ये जो सारी महान लोगों की पंक्तियाँ थी, अब उस घटना के बाद, उस घटना मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना के बाद ये लाइन समाप्त हो चुकी है और मेरे द्वारा ही अब अच्छे लोगों की पंक्तियाँ और फिर से उन्हीं लोगों को दोबारा मेरे साथ दोहराया जा रहा है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे इस बात का दुख है। दुख क्यों है कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकता और वो यहाँ है भी नहीं जो इस प्रकार की स्वतंत्रता के इस ऐतिहासिक अवसर को देख सकें। तो मतलब मैं उनके लिए बहुत दुखी हूँ जिन्होंने इस स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना सहयोग किया, लेकिन वो आज यहाँ पर नहीं है जिससे उनका हम धन्यवाद दे सकें। नेक्स्ट देखें बच्चों, द पॉलिसी ऑफ अपार्थिट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that I produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yunus Dawes, the Bram Fisher, the Robert Sobukues of our time, men of such extraordinary। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, कि ऐसा दिन जो था वो कैसे आया, बहुत सारे हजारों लोगों के संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ, लेकिन जो अपार्टिट की जो रंगभेद नीति थी उन्होंने क्या किया, एक बहुत दिनों तक चलने वाला घाव, मतलब जो भी अभी तक रंगभेद नीति के अंतर्गत जो श्वेत वर्ण वाले लोगों ने किया, वो ऐसा घाव दे दिया जो कि बहुत दिनों तक मेरे देश में और मेरे देश के लोगों को मिला है। यदि हम उस गहरी चोट से नहीं उभरे तो कम से कम पीढ़ी नहीं तो मुझे कई साल इस चोट से, इस दुख से निकलने में लग जाएंगे। किंतु क्या होता है कि इस इरादे से हमने ओलिवर टेम्बोज, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लुथोलियस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोब्यूकस, ऐसे इन महानुभावों को पैदा किया है। आगे देखें बच्चों, यहाँ पर पिक में देखिए इनके सब पिक दिए हैं, जैसे ओलिवर थॉम्बो, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सोब्यूक्यू। Their courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems and lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अब जो मंडेला जी हैं वो क्या बताते हैं कि इन व्यक्तियों के बारे बताते हैं कि उनके साहस, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी दयालुता जो है वो हम सबको कभी भी भुलाई नहीं जा सकती है। शायद इन्होंने इतने गहरे उत्पीड़न के बाद इतने महानतम चरित्र को सार्थक किया है। मेरा जो देश है वो कैसा है, खनिज के मामले में बहुत उर्वर है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रत्न भी हैं, जेम्स That lie beneath its soil, मतलब इसकी भूमि में बहुत ही अच्छे हीरे रत्न जवाहरात और जो खनिज हैं वो दबे हुए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी देश की सबसे समृद्धशाली संपदा जो होती है, इट्स पीपल, मतलब इसके यहाँ पर रहने वाले लोग, जो कि ज़्यादा फाइन हैं, ज़्यादा सत्यतावादी हैं और ज़्यादा प्योरेस्ट हैं, किससे ज़्यादा, हीरे से भी ज़्यादा प्योर या शुद्ध हैं। तो यहाँ पर उनका मतलब ये है कि संपदा होते हुए भी वहाँ के जो देश के लोग रहते हैं वो उसको शक्तिशाली और समृद्धता दिलाते हैं, ना कि उसमें होने वाले खनिज या हीरे रत्न। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन। आई हैव सीन मैन एंड वेमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but
ही हु कंक्वर्स दैट फियर। अब यहाँ पर उनका क्या कहना है कि मैंने इन सभी लोगों को संघर्ष करते हुए देखा है और इन सभी लोगों से ही संघर्ष करना सीखा है और मैंने हिम्मत लेना सीखी है। मैंने समय समय पर ऐसे पुरुषों और महिलाओं को भी देखा है जिन्होंने अपने आप को रिस्क में या परेशानियों में डालते हुए भी एक विचार के लिए, एक विचार मात्र के लिए अपनी जान तक देते हुए देखा है। मैंने ऐसे पुरुषों को भी देखा है जिन्होंने बिना टूटे बिना झुके अनेकों प्रकार के आक्रमण और यातनाएं सही हैं। मैंने इन सभी लोगों को देखा और इन सबसे क्या सीखा है, हिम्मत बांधना सीखा है। मैंने सीखा है कि साहस का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि डर की अनुपस्थिति, अर्थात डर की अनुपस्थिति ही साहस का नाम नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना ही क्या कहलाएगा, साहस कहलाएगा। जो एक बहादुर व्यक्ति रहता है वो ये नहीं रहता कि वो डरता नहीं है। मतलब बहादुर व्यक्ति का क्या काम है, सिर्फ निडर होना ही बहादुरी का प्रतीक नहीं है, साहस का प्रतीक नहीं है, बल्कि कि इस डर पर भी विजय पाना साहस या बहादुरी का प्रतीक होता है। आगे देखें बच्चों, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रीजन रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम इन प्रिजन वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमेनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मैन Goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अब इसका अर्थ हम समझे बच्चों। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ स्किन के कलर पे, अर्थात रंग के आधार पर एक दूसरे से घृणा या नफरत लिए पैदा नहीं होता और उनको नहीं सिखाया जाता। हाँ, अगर उनको ये सब सिखाया जाए तो वो क्या करते हैं, घृणा करना सीख जाते हैं। लेकिन जब हम घृणा करना सीख सकते हैं तो प्रेम करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि प्रेम करना तो एक वास्तविक रूप से बहुत सहज है और मानव हृदय की उत्पत्ति में रहता है, और वो घृणा करने, घृणा के विपरीत ज़्यादा सरलता से सीखा जा सकता है। वो कहते हैं, उन मुश्किल कठिन दिनों में जब मैं जेल में था और मेरे साथ के सहयोगी भी जेल में हम लोगों को भेज दिया जाता था, और मतलब एक सीमा के बाहर तक की यातनाएँ जब दी जाती थी, तब मैं उन जो रक्षक जो गार्ड्स कहलाते हैं वहाँ के, उनकी आंखों में भी एक झलक मानवता की देख लेता था। भले ही कुछ सेकंड के लिए देखता था, लेकिन कुछ झलक वहाँ उन यातनाओं को सहते हुए उन गार्ड्स को मैं जब देखता था तो उनमें भी मुझे मानवता की एक झलक दिखाई दे जाती थी। बस यही बात जो थी मुझे आगे बढ़ाने में सहायक थी, मुझ में हिम्मत आ जाती थी कि चलो कहीं ना कहीं, कितने भी हम घृणा के उसमें रहें, दलदल में रहें, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता अभी भी शेष है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाइयां हैं वो एक ज्योति या लौ की तरह होती हैं। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, उसको छुपाया जा सकता है लेकिन उस जो अच्छाइयों या प्रेम की जो लौ है उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट पैरा देखें बच्चों, अगले पैरे में हम आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस लेसन को बहुत अच्छे से रीड करें और समझें। थैंक यू बच्चों।